સંસદનું આગામી બજેટ સત્ર 22મી જુલાઈથી શરૂ થશે. કેન્દ્રીય મંત્રી કિરણ રિજિજુએ બજેટ સત્ર અંગે સોશિયલ મીડિયા એક્સ પર લખ્યું હતું કે ભારત સરકારની પરંપરા મુજબ ભારતના માનનીય રાષ્ટ્રપતિએ 22મી જુલાઈ 2024થી 12મી ઓગસ્ટ 2024 સુધીના બજેટ સત્ર માટે સંસદના બંને ગૃહોમાં મંજૂરી આપી છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ 23મી જુલાઈના રોજ લોકસભામાં નાણાકીય વર્ષ 2024-25નું સંપૂર્ણ બજેટ રજૂ કરશે. 23 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा. ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार की जो योजनाएं होंगी, जो कहां से पैसा आएगा, कहां से किस मद में कितना बजट आवंटित होगा, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है. और जैसा कि आपने बताया कि इस बार चुनाव हुआ और चुनाव के चलते एक बार अंतरिम बजट पेश किया गया था फरवरी के महीने में, और ये पूर्णकालिक बजट होगा अगले साल के अगले वित्तीय वर्ष के लिए. तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट होगा. और जहाँ तक कि कहा जा रहा है कि जो आधारभूत संरचना है, उस आधारभूत संरचना पर मोदी सरकार विशेष रूप से ध्यान देगी, और जो और इम्पोर्टेंट जो आर्थिक नीतियां होती हैं उसमें क्या फेर बदल होगा, ये भी देखने वाली बात होगी. हम पिछले 10 वर्षों के अगर बजट को हम देखेंगे तो जिस तरीके से रिफॉर्म्स हुआ है और जो विश्व में आर्थिक जो गतिविधियां हैं, मंदी का जो दौर था उस दौर में भी हमने अच्छा काम किया, और यही कारण है कि जो रिफॉर्म्स होते आ रहे हैं उन रिफॉर्म्स को सरकार आगे रखना चाहेगी.